वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम RBL बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो RBL बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन 92.2 पे यहाँ पे देर की क्लोजिंग दे चुका रहा। 2.90% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। तो देख सकते हो कि स्टॉक के क्वार्टर फोर के भी नतीजे सामने आ चुके थे, वो भी चेक करेंगे। और मार्केट कैप देख सकते हो 5,528 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहले क्वार्टर फोर के नतीजे हम लोग ध्यान में डालेंगे। तो देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन जो लास्ट वाला कॉलम में देख सकते हो वो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन लास्ट वाला जो कॉलम है और जून 2022 का यहाँ पे कॉलम यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली। और उसी में देख सकते हो कैसे पॉइंट यहाँ पे जो रेवेन्यू है यहाँ पे 2200 करोड़ का है, पिछले मार्च क्वार्टर से भी सेम है यहाँ पे आप देख सकते हो। और जून 2021 से हल्का सा ऑफ है। एक्सपेंसेस कटने के बाद जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो -330 करोड़ का यानी कि लॉस में जाती हुई नजर आ चुकी थी। फिर आधा इनकम जोड़ने के बाद जो है कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 284 करोड़ का था और टैक्स कटने के बाद जो है 209 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देख सकते कि EPS भी 3.48 है। पिछले क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। और जून 2021 से तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाला था यहाँ पे आप देख सकते हैं RBL बैंक स्टॉक ने। तो RBL बैंक स्टॉक के बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है RBL बैंक स्टॉक की 5,528 करोड़ की है। करंट प्राइस 92.2 का है। स्टॉक का पी रेशियो 11 है जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बुक वैल्यू 211 का है। तो यहाँ पे डिविडेंड नहीं देते स्टॉक। ROC भी देख सकते 4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है 84,281 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जो है 500 करोड़ के ऊपर है। EPS जो है 8.42 का है। सेल्स से यहाँ पे देख सकते हो 8,544 करोड़ का है। टोटल एसेट जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है स्टॉक के अंदर जो कि चिंताजनक बात है। एक साल में 55% तक गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे RBL बैंक स्टॉक के लिए।